नवी मुंबई में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में 43 साल के व्यक्ति को उम्र कैद की सजा आज सुनाई गई। लक्ष्मी पूजन में अनार और फुलझड़ी के प्रयोग को छोड़कर मुंबई बीएमसी ने दिवाली की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करके एमएसआरटीसी कार्यकर्ता की मौत, सुसाइड नोट में ठाकरे सरकार को दोषी ठहराया। नवी मुंबई में रंजन विचारे और विजय चौगले का अलगार, सम रिहैबिलाइजेशन अथॉरिटी के तहत होगा झोपड़पट्टियों का विकास। बीजेपी बिहार में एनडीए के वरिष्ठ साथी के रूप में उभर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 के एनडीए 126 सीटों से आगे। कोर्ट का अर्नब गोस्वामी का इंटरिम बेल रिफ्यूज करने पर लोगों का तलोजा जेल के बाहर भारी आंदोलन। पुलिस ने आज रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड को फेक टीआरपी के आरोप में किया गिरफ्तार। एमएलए प्रशांत ठाकुर का आंदोलन सफल हुआ, तलोजा अंत में सबवे का काम यथायत शुरू होगा। स्पोर्ट्स न्यूज में आईपीएल फिनाले आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में।